I gave you my heart. सो गाइस, अब ये हमारे जो वीडियो ये है बीएससी सिक्स सेमेस्टर के डायनामिक्स की, जिसका प्रोजेक्ट है ये का बेसिक हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियो में, उसके कुछ फॉर्मूले भी निकाले थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकता है। आज हम करने वाले कुछ छोटे बोर्ड उसके न्यूमेरिकल्स, ताकि समझ में आए कि हमने वो फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, या अगर फॉर्मूले याद नहीं रहते तो हमने न्यूमेरिकल कैसे निकालने हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स। आज का टॉपिक शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स और प्रोजेक्टर, जिसमें पहला न्यूमेरिकल लिख रहा हूं। एक न्यूमेरिकल है कि एक गोल्फ प्लेयर है और वो जमीन से, मान लीजिए जमीन है, एक गोल्फ प्लेयर वो जमीन से एक बॉल को हिट करता है जो उसके हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। शुरू में जो वेलोसिटी थी वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही थी? 45 डिग्री एंगल बना रही थी। और उसके बाद में किसी पॉइंट बी पे टच करा, उसने ए पे हिट किया 45 डिग्री एंगल के साथ, और उसकी जो शुरू में जिस वेलोसिटी से उसने हिट किया, दैट वेलोसिटी वाज 80 मीटर पर सेकंड। कितने वेलोसिटी से उसने हिट किया था उसको? 80 मीटर पर सेकंड के साथ हिट किया था। तो वो कहता है कि 3 सेकंड के बाद, जब टाइम कितना हो जाएगा 3 सेकंड, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? अगर वो वेलोसिटी फाइंड करने को बोले तो आपको दोनों वेलोसिटीज फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। शुरू में वेलोसिटी यू दी हुई है 80 मीटर पर सेकंड, लेकिन शुरू में इसके दो कंपोनेंट होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, जो कि होता है यू कोस थीटा और ये होता है यू साइन थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस कितनी हुई? U की वैल्यू कितनी थी? 80, एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2, समझेंगे ना। एंड UY की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 80 × 1/√2, समझ गए। U sin थीटा है क्योंकि थीटा 45 और 45 की वैल्यू। ओके, टाइम कितना दिया उसने? 2 सेकंड्स। वो कहता है कि 2 सेकंड के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अलग निकलती है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी वर्टिकल वेलोसिटी अलग निकलती है और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग निकलती है। तो पहले मैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालता हूं। तो फाइनल वेलोसिटी एक्स के रोंग तो क्या होगी? देखो, फाइनल वेलोसिटी हमने ये पढ़ा हुआ ना, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, राइट? वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पे अगर मैं ये कर रहा हूं तो ये हो जाएगा वी एक्स स्केयर माइनस यू एक्स स्केयर इज इक्वल टू 2ax। एक्स वाली जो डिस्प्लेसमेंट है कितनी है वो मैंने यहां से लेके यहां तक आ गया 2 सेकंड में, तो वो मैंने कुछ भी मान ली एक्स डैश नाम की। वी एक्स स्केयर ये तो मेरे को निकालना है, यू एक्स शुरू में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी उसका स्केयर, दैट इज 80/√2 का स्केयर। और मैंने आपको बताया था इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी रहती है? 0। तो इंटू में कुछ हो जाए ना हो, तो यहां से वी एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80/√2 का स्केयर, यानी कि वी एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 80/√2। और वैसे भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हैं तो उसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती, एक्सेलरेशन 0 होती है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आता है? 0। There is no change in velocity. So, यहां पे भी अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी लेके चले थे एक्स के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से फाइनल वेलोसिटी एक्स के अकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करें, वो भी सेम आई, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना होता है हॉरिजॉन्टली? 0। अब मैं निकालता हूं वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी, उसके लिए भी ये लगाऊंगा। तो वी वाई स्केयर और इसमें माइनस में यू वाई स्केयर, समझ रहे ना, ये वाई वाले के यूज करूं क्योंकि मेरी वर्टिकल प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू 2as। 2as यहां पे अब ये समस्या है कि हमें हाइट का नहीं पता, 2as। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि अगर हम बात करें, हमने तो 2 सेकंड के बाद में, पहले ये देख लेते हैं कि वो 2 सेकंड के बाद में वर्टिकली कितना ऊपर चली गई। 2 सेकंड के बाद जैसे 2 सेकंड चली ना, तो 2 सेकंड के बाद में वो कितना ऊपर चली गई। तो वाई डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? वाई एस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? ut + ½ at²
तो यहां से y वर्टिकल निकाल रहा हूं ना, तो y क्योंकि मेरे को यहाँ पे s की जरूरत है और s यहाँ पे मेरा कोई y है ना, क्योंकि वो कुछ ऊपर तो चली गई होगी, समझ रहे हो ना, क्योंकि वर्टिकल काम कर रहे हैं सारा, तो वर्टिकल चलना है। तो यहां से मैं अगर y की बात करता हूँ तो u कौन सी लूं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो कि कितनी है 80/√2, और मेरे को ये कितने टाइम के बाद देखनी है u इंटू टी, कितने टाइम के बाद मेरे को चेक करना है, 2 के बाद, माइनस में हाफ जी, जी की वैल्यू मैंने टी 10 यूज कर ली एंड टी स्केयर, एंड व्हाट इज टी स्केयर, टी स्केयर यहां पे मैं कितना यूज कर लूंगा, टी स्केयर यहां पे यूज कर लूंगा मैं 2 का स्केयर दैट इज 4, समझ रहे हो। तो यहां से मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई की, वो वाई की वैल्यू मैं किसके लिए नोट कर लूंगा, एस की वैल्यू के लिए, यानी इस वाई के लिए, और इस वी वाई की वैल्यू तो मेरे को निकालनी है, और इस यू वाई की वैल्यू मेरे पास है पड़ेगी कितनी, 80/√2 का स्केयर, स्केयर हो जाएगा 2, ए की जगह कितना आ जाएगा 10, कैसा 10 माइनस का, और इस वाई की वो कितनी हाइट पे पहुंच गया, उसकी यहां से मैंने वैल्यू निकाल ली, वो मैं यहां पुट कर दूंगा और वी वाई की वैल्यू निकल जाएगी, राइट। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने बस एक आइडिया देना था आपको, दे दिया। अब मैं आपको इसकी एक पीडीएफ दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, और वो पीडीएफ आप सोल्व करेंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहा हूं, दोनों वीडियोस देखने के बाद आराम से वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, एक प्रीवियस वीडियो एक ये वीडियो, मतलब जिस जिस चीज की जरूरत पड़ती जाएगी वो निकालते जाएंगे। जैसे मेरे को अगर यहाँ पे देखें तो मैंने कहा था आपको दो ही इक्वेशन यूज करनी है, एक तो ये यूज करनी है और एक मैंने बोला था आपको ये यूज करनी है, इन दो पे ही आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं। फाइनल वेलोसिटी निकालने की बात करें, जब इनिशियल दियो तब तो ये यूज करनी है, तो मैं यही यूज कर रहा था, बस वर्टिकल यूज कर रहा था, तो वी वाई वाली, यू वी वाई वाली और 2 ए एस एस हाइट, कितनी हाइट पे पहुंच जाएगा, कितने टाइम बाद, 2 सेकंड बाद, क्योंकि मेरे को ये कब नोट करनी थी, 2 सेकंड बाद, इसलिए मेरे को यहाँ पे पहले एस यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट जो थी वो कैलकुलेट करनी थी, कौन सी डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, कितने टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद, तो फिर मैं यहाँ पे आ गया, क्योंकि एस कैलकुलेट करने के लिए यू टी प्लस हाफ हाइट स्केयर, अगर वर्टिकल कैलकुलेट कर रहा हूं तो एस किस में चेंज हो जाएगा, वाई में, क्योंकि वर्टिकल किस में चेंज होती है, वाई में। यू की वैल्यू कौन सी यूज करेंगे, वर्टिकल वाली, टी की वैल्यू वो दे रखी है उसमें 2 यूज करो, प्लस में हाफ, ए की वैल्यू कितनी यूज करेंगे, जी जी माइनस जी माइनस 10, जी 10 भी यूज कर सकते हो, 9.8 भी यूज करनी पड़ सकती है, वो डिपेंड करेगा आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। टी का स्केल इज 4, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, वी वाई निकल जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आता, सिमिलर गेम बाकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी जो आप लोग सोल्व करेंगे, इसी में बेस्ड है, एंड ये एक बेसिक सा आइडिया जिसके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैसे क्या क्या करना है। आई होप यू गाइज लाइक दिस टॉपिक, इफ यू डू सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अस, और इससे ये जिनको ये भी नहीं समझ आया फॉर्मूले क्यों यूज कर रहे हैं, पहले वाली वीडियो देखो, जस्ट इससे पहले वाली, सारा समझ आ जाएगा, खुद में खुद न्यूमेरिकल कर लोगे। इसी के साथ अलविदा रहते हैं, जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो।